बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। हाँ, बजरंगबली भगवान नहीं है, मैं इंसान नहीं हूँ, तू गधा नहीं है, धरती गोल नहीं है और ये बेसुरी नहीं है, हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। समुद्र का पानी खारा नहीं है, 6+6=12 नहीं है, इसकी मूवी का नाम वीर ज़ारा नहीं है और सचिन की बेटी सारा नहीं है। अरे भेड़िया, स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों। आदि पुरुष के नाम पे श्री राम को करना चाहते थे बदनाम, आदि पुरुष के नाम पे श्री राम को करना चाहते थे बदनाम, ऑडियंस ने इनको इनकी औकात दिखा दी, अब लगा लो 600 करोड़ का झंडू बाम। दोस्तों आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि आदि पुरुष मूवी के सपोर्ट में, मतलब उन लोगों का कहना यह है कि मूवी है मूवी की तरह, देखो हर बात पे ऑफेंड क्यों हो जाते हो, मूवी को मूवी की तरह नहीं ले सकते क्या? नहीं। अच्छा, मतलब तुम हमारे भगवान की इमेज को मूवीज के नाम पे बदनाम करते रहो और हम बैठ के देखते रहे कि हाँ हाँ कर लो, ये कर लो, हाँ ये कर लो पहले। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोग ऑलरेडी मूवीज के नाम पे हमारे देवता नारद मुनि की इमेज बहुत ज्यादा खराब कर चुके हैं। आप लोगों ने भी किसी भी मूवी में अगर नारद मुनि को देखा होगा तो उनको लोगों की चुगली करते हुए या फिर कुछ गलत करते हुए ही देखा होगा, मजाक मस्ती करते हुए। कहीं इन लोगों ने ये नहीं बताया होगा कि नारद मुनि कितने बड़े विद्वान थे और यही चीज ये दोबारा करके आप श्री राम का नाम बदनाम करना चाहते हैं। कहीं ये लोग बोलेंगे कि हनुमान जी भगवान नहीं है, तो कहीं बोलेंगे कि श्री राम को पता ही नहीं था कि वो भगवान के अवतार है। भगवान श्री राम क्या कभी आपको इतने बेबस लगे, क्या कितने असहाय कभी लगे कि एक पर्वत पर उनका पहुंचना हो रहा है और वहां से रावण उनकी माता जानकी को, उनकी पत्नी को उठाकर ले जा रहा है, वो आंख भर के देख रहे हैं, हाथ में गोदन पकड़े हुए। अगर कोई ऐसे राम को चित्रित करने की कोशिश करेगा तो प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे क्या? भगवान श्री राम अवतार थे लेकिन श्री राम स्वयं नहीं जानते थे। हाँ, मेरे इंसाइक्लोपीडिया के चौथे फटे हुए पन्ने, किसी को कुछ नहीं पता, सब तुझे ही पता है, और सब पता होने के बावजूद भी पूरी दुनिया इसको गाली दे रही है, फिर भी समझ थोड़े ना आ रहा, मतलब बुद्धि कितनी ही कम हो इसके अंदर कॉन्फिडेंस वो बहुत ज्यादा है। और अब तो मुझे इसका रत्ती भर भरोसा नहीं है, कहीं बोलता है हनुमान जी भगवान नहीं है, कहीं बोलेगा राम जी को पता नहीं था वो अवतार है, कहीं बोलेगा मैं ही भगवान का अवतार हूँ। कभी कभी लगता है क्या पुलिच भगवान है। भगवान श्री राम ने अपना पूरा जीवन मानव मूल्यों पे जिया है, उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उनकी सारी शक्तियां अर्जित की हुई थी जो उन्होंने कमाई है, जैसे कि मैं और आप भी कमा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 600 करोड़ की मूवी बनाई, 600 करोड़ की, और उसमें से 300-400 करोड़ का तो इस अकेले का गांजा आया है, मतलब 300-400 करोड़ के गांजे का तो इसने नशा कम से कम किया ही है, क्योंकि इनकी मूवी उतरने वाली है कुछ दिनों में, पर इसका नशा वो उतर ही नहीं रहा, मतलब इस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा कि ये बोल क्या रहा है, और पूरी दुनिया को ये समझ नहीं आ रहा कि इसने लिखा क्या है। जैसे एक तरफ ये बोलता है कि राम जी को ये नहीं पता कि वो अवतार थे, वैसे इसके हिसाब से रावण को भी नहीं पता कि वो पार्ट टाइम बेल्डिंग का काम करता था, वो भी बेल्डिंग का हेलमेट लगा के। भाई साहब, इन लोगों का बस नहीं चला, वरना रावण को आयरन मैन का सूट पहन के जंग लड़वा देते, वो राजा था, राजा लंका की, वो भी सोने की, कोयले की नहीं, ना नक्को बिल्कुल नहीं। और असलियत की रामायण में हनुमान जी ने लंका जलाई थी, इनकी लंका पहले की जली हुई है पूरी की पूरी काली, और ये काली लंका बनाने में इनको 600 करोड़ लग गए, अगर ये सोने की लंका बना देते तो ना जाने कहां जाता इनका बजट। और आप सोचो, सोने की लंका का मालिक मतलब रावण ने एक सोने का आभूषण तक नहीं पहना है, अरे भाई सोने का मुकुट तो पहना देता कम से कम पापी, पर नहीं, इसने तो ब्लैक टी शर्ट और WWE का बेल्ट पहनाना सही समझा। ये हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि सबको आपत्ति हो रही है हर चीज पे, फिल्म में 4000 संवाद है और 5 संवादों पे लोगों को प्रॉब्लम हुई है। अरे मेरे भाई, अगर तुम 10,000 लीटर दूध लोगे ना, उसमें 10 बूंद भी नींबू की डाल दोगे, वो इनफ होता है उसके फटने के लिए। और ये कैसी बात है, थोड़ी सी बुरी हो गई तो क्या हुआ, पूरी तो अच्छी है, सिर्फ 5 डायलॉग खराब है। अबे रामायण जैसी एपिक टेल को तूने एपिक फेल बना दिया है, और अभी भी लोगों को यह समझ नहीं आया कि बात 5 डायलॉग की नहीं है जो कि गड़बड़ हो गए, बात यहाँ पे भगवान की इमेज की है जो कि इनने गलत कर दी है, गलत पोर्ट्रे किया है भगवान को। पर कुछ भी कहो, बेचारे ने पूरी जान लगा दी, सारे चैनलों पे जाके इंटरव्यू दिए, पूरे इंटरनेट पे उसका इंटरव्यू पड़ा है, इतनी सफाइयां देने के बाद भी हुआ क्या, हनुमान जी के डायलॉग चेंज करने पड़े, क्योंकि जनता में बहुत दम है भाई। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो सबके पास पहुंच पाए और जनता की पावर दिखा पाए हम। कपड़ा तेरी लंका का, तेल तेरी लंका का, आग भी तेरी लंका की। अब डायलॉग चेंज कर दो, चाहे पूरी मूवी दोबारा बना दो, जो नुकसान होना था यहाँ अंदर हो चुका है, कांच एक बार जब टूट जाता है ना, उसको टेप से कितना ही बांध दो वो टूटा ही रहता है, अब कोई फायदा नहीं है। और मैंने तो ये भी सुना है कि असलियत में जो रावण को वरदान मिला था ना, वो भी इन लोगों ने मूवी में बदल दिया, असलियत में जो वरदान मिला था वो ये था। ब्रह्मा जी ने कहा, देखो जो मैं खुद नहीं हूं मैं दे नहीं पाऊंगा, तो इसलिए इसके अलावा कुछ और मांग लो। तो ठीक है, तो देवता, किन्नर, राक्षस, गंधर्व और नाग इत्यादि, इन सबसे मेरी मृत्यु ना हो तथास्तु। और मूवी में इन लोगों ने हिरण्यकश्यप का वरदान दिलवा दिया, ना दिन में, ना रात में, ना जल में, ना वायु में, ना धरती पे, ना आसमान में, ना किसी देव, ना किसी दानव, किसी के हाथों से तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी।
मिलेगी। इनके ब्रह्मा जी भी ब्रह्मा जी कम और व्यूज ज्यादा लग रहा है। और जितने भी लोगों ने डायलॉग राइटर का चैनल देखा होगा वो सोचते होंगे ये तो बड़ी धर्म की बातें करता है, बड़ा धार्मिक इंसान है, तो फिर इसने ऐसे डायलॉग लिखे तो लिखे कैसे, इतनी गलतियां कैसे हो गई, तो वो भी पता चला है दोस्तों। और शिव स्रोत का पाठ किया करते थे ऊंची आवाज में, बगल में मनोज मुंतशिर ने लगाया होता था, ख्याल गैर को दिल से मिटा दे या रसूल अल्लाह। अब सब समझ आ गया भाई मुझे, अब समझ चुका हूँ मैं कि रावण ने सोने से ज्यादा काले कपड़े क्यों पहने, आखिर क्यों रावण पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ पे बैठ के घूम रहा है। और एक चीज नोटिस करी आपने, रावण की आंखों में जो काजल लगा है भाई साहब, उसको देख के तो मुझे पद्मावत का रणवीर सिंह याद आ गया। अब समझ आया कि इनकी मूवी का रावण राक्षस और ब्राह्मण का बेटा होने के बावजूद खिलजी ज्यादा क्यों लग रहा है। तो दोस्तों जब इस डायलॉग राइटर से बोला गया कि सॉरी बोल दो, तो कहने लग गया मैं ना बोला सॉरी, मेरे से ना होता है सॉरी वोरी। ये बड़ी चीज है, ये आगे आके मैं कह रहा हूँ कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं बदलूंगा, मैं चेंज करूंगा। पर दोस्तों घमंड तो रावण का नहीं टिका, ये किस खेत की मूली है। जब इसको पता चला कि जनता की पावर किसे कहते हैं, कि जनता के होने से इनका वजूद है, तो बस आ गए माफी मांगने, माफ कर दो प्लीज। जो रामायण को मुझसे बेहतर जानते हैं, अगर मैंने उनको किसी वजह से थोड़ा सा नाराज कर दिया तो मैं हाथ जोड़कर उनसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य आपको नाराज करना नहीं, लेकिन आपके घर में जो 12 साल का बच्चा है वहां तक पहुंचना था। अरे मंदबुद्धि, भगवान ने ये सब लीलाएं की ही इसीलिए, ताकि बच्चे बूढ़े बड़े सब इसको देखे और समझ पाए कि जिंदगी जीना कैसे है, जिंदगी जीने का तरीका क्या है सही। और तू उन लीलाओं को ही बदल के बच्चों को दिखाना चाहता है, भगवान के नाम का सहारा लेके लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खेलना बहुत गलत बात है। अपनी मूवी को हिट कराने के लिए लोगों की धार्मिक भावनाओं को सीडी बनाया इसने, और जब बिचारों की मूवी डूबने लग गई तो मूवी के आधे से ज्यादा सीन तो इन लोगों को शॉर्ट्स पे डालने पड़े, यूट्यूब शॉर्ट्स पर। और उन शॉर्ट्स को देखकर भी मन नहीं किया कि मूवी देख लो, ये पता चल गया और रीजन मिल गए कि क्यों नहीं जाना चाहिए देखने। हनुमान जी पहली बार माता सीता से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर माता कहकर प्रणाम करते हैं, लेकिन इस फिल्म में किसी मुगल की भांति सलाम किया है। पहली बात तो मुझे हनुमान जी की कास्टिंग बिल्कुल पसंद नहीं आई, इन लोगों ने कास्टिंग करते वक्त कुछ नहीं देखा, सिर्फ बॉडी देखी। हाँ, इसकी बॉडी अच्छी है, बड़े बड़े डोले हैं, इसको रख लो हनुमान जी बना लेते हैं। अरे भाई, दारा सिंह का जो रूप था ना हनुमान जी वाला, पुरानी रामायण में जाके देखो एक बार। और हनुमान जी अपने सूक्ष्म रूप मतलब छोटे रूप में गए थे सीता माता से मिलने, और ऐसा कोई पोज नहीं किया था, ऐसे ऐसे नमस्कार करते हमारे में, ऐसे नहीं करते जा जंत्रम मा मंत्रम का पोज। ऐसे प्रणाम करना सिखाना है अपने आने वाली जनरेशन को, ऐसे करना नहीं सिखाना। 70 फिल्मों में से मेरी ये पहली पिक्चर है। जब मैं लिखता था तो जिस कार्यालय में, जिस दफ्तर में मैं फिल्म लिख रहा था, मेरा ऑफिस, मैं अपने जूते बाहर छोड़ गया था। भाई अब मत जाना चप्पल उतार के, वरना उसी चप्पल से पिटाई हो जाएगी तेरी। मतलब स्क्रिप्ट लिखते वक्त स्नैक में बल्ब खा रहा था क्या, जो इतना टूटा फूटा लिखा है। और चप्पल उतार के गया था तो ऐसी लिखी है, चप्पल पहन के जाता तो सूर्पनखा से आइटम डांस करवा देता। और भाई साहब सूर्पनखा राक्षसी थी वो, उसको इतना सुंदर बनाया है, और VFX इतने ज्यादा थे, 600 करोड़ लगाया था, उसकी 1 इंच भी नाक नहीं कटी इनसे, और वो कटी हुई नाक भी थोड़े टाइम बाद वापिस आ जाती है। और मूवी में एक ऐसा अभद्र सीन भी है, वाह ऐसे सीन अपनी मूवी में रखकर बोलेंगे कि ये बच्चों के लिए बनाइए, इसको बच्चे देखेंगे। और भाई साहब ये रोल भी पता है किसका है, ये विभीषण की वाइफ का है। मतलब पूरी लंका में अकेले विभीषण ही थे जिनकी कुटिया में हनुमान जी गए थे, सोचिए आप, और उनकी वाइफ को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है। मुझे तो सही बताऊं कभी कभी ऐसा लगता है ये सारी की सारी प्लानिंग थी, कि मूवी को इतना कॉन्ट्रोवर्शियल बनाएंगे, इतनी गलत गलत चीजें डाल देंगे कि पूरी दुनिया इसके बारे में गलत गलत बातें करेगी, और उसी चक्कर में फ्री प्रमोशन हो जाएगा और मूवी बेवजह ही हिट हो जाएगी। पर मैं तो ये चाहता हूं कि ये मूवी बैन हो जाए। और दोस्तों ये सब अपनी वीडियो में बोल रहा हूं तो मेरी वीडियो भी टेक डाउन हो सकती है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, कि आगे अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो तो मैं आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा पाऊं। बाकी अभी के लिए इस वीडियो को लाइक कर दे। और हां, इस मूवी में एक और सीन था। अब आप सोचिए कि रावण, जो कि शिवजी का इतना बड़ा भक्त था, वो उनके रुद्राक्ष की माला को अपने बाइसेप को पंप करने में तोड़ के फेंक रहा है, मतलब वो जमीन पे गिर गए। रावण ऐसा कभी भी नहीं करता, वो इतना बड़ा भक्त था शिवजी का, क्योंकि रुद्राक्ष जो होते हैं रुद्र के अक्ष, मतलब शिवजी के आंसू। रुद्राक्ष पूरा का पूरा डिटेल में मैं अपने धार्मिक वाले चैनल पे बता दूंगा, रजत द्वित के नाम से है वो, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। पर रावण इतना बड़ा शिव भक्त होके शिवजी से रिलेटेड किसी भी वस्तु का अपमान ऐसे कर ही नहीं सकता। और दोस्तों आखिरी में बस यही कहना चाहूंगा कि रावण ने बहुत पाप किए होंगे, पर कभी भी ऐसा फेट कट नहीं करवाया होगा छपरियों जैसा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में लिखें और वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। मम्मी सोच रहा हूँ आदि पुरुष देख के आ जाता हूँ। मम्मी चलो पुरानी वाली रामायण देखते हैं, आदि पुरुष देख के पूरा दिमाग खराब हो गया है। क्या मतलब, तू मेरा राजा बेटा है।